गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से तवलीन सिंह ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली से मुझे मिलने आई। उन्होंने मुझे कहा कि मंगल सिंह राशि में 20 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे प्रवेश कर रहा है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे वो जानना चाहती थी। और मैंने उन्हें अपने ज्योतिष नाम के बंगले के काउंसलिंग रूम में जाकर कॉफ़ी पीते हुए ये बताना शुरू किया कि मंगल सिंह राशि में क्या प्रभाव देगा। मंगल मेष राशि वालों को 5वें स्थान में आने के वजह से मेष राशि के लिए यह मंगल बहुत अच्छा है। बच्चों का उत्साह मिलेगा, बच्चे ऊर्जा का कारक बनेंगे और कुछ आर्थिक लाभ के लिए यह मंगल बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए यह मंगल चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। चतुर्थ स्थान का मंगल घर में क्लेश ला सकता है। घरेलू जीवन में जो शांति चल रही थी उसमें थोड़ा सा विवाद उभर कर आते हैं, तो आपको ये मंगल से सोच समझ के डील करना पड़ेगा। पर बिजनेस के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है मंगल का। मिथुन राशि वालों के लिए यह मंगल जो है वो तीसरे स्थान पर आया है, तो तीसरे स्थान का मंगल मिथुन राशि वालों के लिए बड़े ज़बरदस्त रास्ते खोलने वाला है। उनको कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज पाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संचार उनमें दिखेगा, कामकाज के नए मामले खुलेंगे, भाग्यशाली परिवर्तन। कर्क राशि वालों के लिए यह मंगल जो है वो कुटुंब स्थान में आया हुआ है, तो कुटुंब में फिर से मंगल चूंकि वो दंगल करवाता है तो क्लेश का कारण बनेगा। कुटुंब में यदि कोई समस्या से विवाद होता है तो उसको ठंडे बस्ते में रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, पैसे के लेन देन के मामले में यह मंगल बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यह मंगल पहले स्थान में आने के वजह से सिंह राशि वाले जो अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस कर रहे थे, डिप्रेशन का दौर चल रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा है। नए रास्ते खुलेंगे, कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ने का सिंह राशि वालों का योग बना हुआ है। कन्या राशि वालों के लिए यह मंगल 12वें स्थान में आता है। 12वें स्थान का मंगल बाहर आना जाना, दौड़ भाग करना, ये सब बताता है। कामकाज के वजह से आपका जीवन जो है बाहर में अधिक व्यस्त रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको स्नायु का तनाव झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें कन्या राशि वाले, क्योंकि उनको मंगल 12वां है। तुला राशि वालों के लिए यह मंगल जो है वो लाभ स्थान में आया है, तो तुला राशि वालों के लिए भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बच्चों का सहयोग मिलेगा और लाभ के बड़े योग बने हुए हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मंगल बिजनेस के स्थान में आने की वजह से बिजनेस में अचानक ऊर्जा का संचार होगा। वृश्चिक राशि वालों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पर घरेलू जीवन में तनाव रहेगा। पर पैसे का आगमन जो है इनके जीवन में बड़ी मात्रा में होने से वो तनाव को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे और वो तनाव को ये झेल लेंगे। धनु राशि वालों के लिए यह मंगल नवम स्थान में होने के वजह से कुछ नए प्रकार की चीज़ें धनु राशि वालों के जीवन में होती हुई दिखती है। धनु राशि वालों के जीवन में जो 7.5 चल रहा है, फिर भी यह मंगल उनके जीवन में अच्छी ऊर्जा का संचार करेगा। धार्मिक कामकाज में नई ऊर्जा दिखाई देगी। मकर राशि वालों के लिए यह मंगल अष्टम स्थान में है, तो मकर राशि वालों के कुछ पैसे जहाँ डूबे हुए हैं और जहाँ से निकलने की संभावना कम दिख रही है, ऐसे जगह से पैसे निकलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। भाई बहन मृत्यु तुल्य तकलीफ दे सकते हैं, फिर भी मकर राशि वालों का जो ये मंगल है मृत्यु तुल्य तकलीफ देने वाली चीज़ों का निवारण करने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए यह मंगल जीवन साथी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सहयोग देने की कोशिश करता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह मंगल बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी और पार्टनर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा।
मीन राशि वालों के लिए मंगल छठवें स्थान में जाने की वजह से मीन राशि वालों को अपनी ऊर्जा में थोड़ा ऊर्जा की कमी की वजह से वो अपने आप को थोड़े बीमार महसूस करेंगे और कुछ ऐसा लगेगा कि लोग ज़बरदस्ती से झगड़ा लड़ने पर उतारू हैं। मीन राशि वालों ने झगड़ा लड़ने वाली परिस्थितियों से को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके जीवन में ये मंगल जो है वो कुछ डिस्प्यूटेड मामलों का सॉल्यूशन करने वाला है, तो मीन राशि वाले ये चीज का ध्यान रखें। मंगल सिंह राशि वालों का मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, जबकि मकर राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला योग बनता है। मंगल आपके जीवन में मंगल करे, यही कामना के साथ में मैंने ग्रेटर कैलाश से आई तवलीन सिंह से विदा ली।